अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास सेवन के प्रीवियस क्लास में हमने मोहम्मद बिन कासिम चैप्टर पढ़ा था, उसके वर्ड्स मीनिंग कर लिए, हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, यानी कि पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जो है द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स एक पोएम है एंड द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले I will tell you who is William Wordsworth. William Wordsworth एक English poet थे और nature और spiritual world यानी कि वो तमाम कुदरती और रूहानी दुनिया जो थी उससे अपने mind में लाकर उससे इतने ज़्यादा inspire होते थे कि ज़्यादातर वो उन्हीं पर poems वगैरह लिखा करते थे। ये भी poem William Wordsworth ने जो लिखी है ये भी नेचर की चीज़ों पर मबनी है, यानी कि उन्होंने जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया है वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स असल में होते हैं नरगिस के फूल। चले आए, अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड डेट फ्लोर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्ली, अ पोइट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकंड कंपनी, I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought, for often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fill and dances with the daffodils। मैंने ये रीड कर लिया है, अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दूँ, यानी कि मैं बताती हूँ पोइट ने इसमें बोला क्या है। वो कहते हैं कि मैं तन्हा बादलों की तरह इधर से उधर फिर रहा था, यानी कि ऐसे बादल उनकी उन्होंने ये देखे हैं, ऐसे बादल उन्होंने देखे हैं जो कि वादियों और पहाड़ों के ऊपर इधर उधर तैर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है वो तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे बादलों की तरह वो भी फिर रहे थे कि अचानक से उन्होंने एक हुजूम देखा जो कि गोल्डन डैफोडिल्स का था, सुनहरी नरगिस के फूलों का था, झील के साथ साथ और दरख्तों के नीचे वो सुनहरी फूल जैसे परिंदे फड़फड़ा रहे होते हैं इसी तरह ऐसे लग रहा था वो भी फड़फड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं हवाओं के साथ साथ, और ऐसा लग रहा था कि तमाम के तमाम तारे जो हैं वो मुसलसल चमक रहे हैं और एक कहकशां है वहाँ पर जो कि जगमग कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी जो कतार है वो कभी ख़त्म ना होने वाली है, और इस तरह झील के किनारे के साथ यानी कि वो कतार लगी हुई थी, वो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स थे, वो झील के किनारे जो है वहाँ पूरी कतार एक लगी हुई थी जो ख़त्म ना होने वाली थी। गौर किया जाए तो ऐसा लग रहा था कि 10,000 नरगिस के फूल हैं वहाँ पर जो कि अपने सर लहरा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, और जो वेव्स थी यानी कि जो लहरें थीं वो भी उनके साथ नाच रही थीं, और तमाम चमकदार कलर, चमकदार हरे भरे जो पत्ते थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो भी उन पर सबकत ले जा रहे थे, यानी कि उनसे ज़्यादा बढ़तरी उन्होंने हासिल कर ली थी, वो भी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उस खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती उनकी लग रही थी। जो शायर है वो कहते हैं कि एक शायर इस सब को देख के, ये तमाम व्यू देख के वो सिर्फ खुश ही हो सकता है, और ऐसी मुसर्रत भरी जो उनको कंपनी मिली यानी कि ऐसी मुसर्रत भरा जो उनको साथ मिला है वो तो उनके लिए जो है जो महफिल उनको मिली है वो तो उनको बे इंतहा की खुशी दे रहा था। फिर वो कहते हैं मैं गौर करता गया और छोटी थोड़ी सी जो है सोच में चला गया, मैं ये सोच रहा था कि क्या दौलत मिल रही है मुझे इस वक्त
मुझे किस किस्म की दौलत मिल रही है, यानी कि इतना खूबसूरत मंज़र है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत दौलत मुझे मिल रही है इस वक्त। अक्सर वो कहते हैं कि जब मैं अपनी आरामदा कुर्सी पर आराम करता हूँ, यानी कि अपने काउच पर जो है आराम करता हूँ, मेरी बहुत ही खाली सोच होती, खाली जहन होता है, यानी कि मेरा बहुत खाली जहन होता है और बहुत ही गहरी सोच में मैं चला जाता हूँ, और उसके बाद मुझे वो तमाम चीज़ें जो कि मेरी अंदरूनी आँख में, यानी कि जो भी उनके ये जो उन्होंने व्यू देखा था, ये जो पूरा व्यू देख कर आए थे, तो वो सब दोबारा से मेरे जहन में आ जाता है। यानी कि ऐसी कोई याददाश्त आपकी जो आपको दोबारा जहन में आपके आ जाए, यानी कि दोबारा जो है वो जहन में वो सब चीज़ें आ जाती हैं और उनकी तन्हाई में वो खुशी का हिस्सा बनती हैं, यानी कि उनकी तन्हाई फिर खुश हो जाए, तन्हा जब वो रहते हैं वो खुश हो जाते हैं फिर जब वो चीज़ें वापस उनके जहन में आती हैं। और वो कहते हैं कि फिर मेरा दिल जो है वो खुशियों से ही भर जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि वो उन्हीं नरगिस के फूलों की तरह नाच रहे हैं। यानी मेरा दिल जो है इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो नरगिस के फूलों की तरह नाच रहा होता है। तो आपने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैसे नेचर जो है, नेचर की चीज़ों की तारीफ़ें की हैं इसमें, यानी कि उन्होंने ये व्यू कितना खूबसूरत बताया है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है उनके लिए। और वाकई ये होता है कि नेचर की जो चीज़ें होती हैं, जितने नेचुरल फैक्ट्स हैं हमारे और जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं कुदरती, जितनी चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पुरसकून करती हैं, बहुत आराम फराम करती हैं हमें, यानी कि उनसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन जगहों पर जाके हमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है, हम जो है हमारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जो है ऐसी जगहों पे जाएं, यानी कि हम अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है या हम डिप्रेस्ड हैं या हम जो भी ऐसी हमारी बात है, तो हम क्या करें, हम कुदरती चीज़ों की तरफ जाएं। जब हम उनकी तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर मिलती है हमें, एनवायरनमेंट अच्छा होता है हमारा और हमें खुशी मिल रही होती है बहुत ज़्यादा। तो उन्हें भी ऐसी जो उन्होंने व्यू देखा था, उन्हें वो व्यू देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि वो जब भी अकेले बैठते थे और तन्हा बैठते थे तो उन्हें वही व्यू नज़र आता था, और जिसकी वजह से उनका जो भी स्ट्रेस होता था वो कम हो जाता था और उनका दिल खुशियों से भर जाता था। आई होप कि आपको ये टॉपिक, आपको ये पोएम समझ आ गई होगी, इसको रीड करना भी आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें क्या बताया गया है। So till then, Allah Hafiz, take a lot of care of yourself.